नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर हमारा 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, अगर हम 3 किलोवाट उपयोग करते हैं, इसके वजह से कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे बिजली बिल पे। देखिए होता क्या है, 1 किलोवाट और 3 किलोवाट में डिफरेंस यही होता है, आप कितना बिजली यूनिट खपत करते हैं वो आपके बिजली उपकरण पर निर्भर करता है। लेकिन इसके अलावे एक फिक्स चार्ज लगता है जो वो आपका बिजली कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया है। देखिए अगर आपने 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया है और आप 3 किलोवाट उपयोग करेंगे तो ऐसे केस में क्या होता है कि पेनाल्टी लगता है, बिजली विभाग जो है आपको फाइन करता है। तो फाइन करता है, कितना फाइन होता है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और आपको बताएंगे। सपोज कीजिए कि आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है और वैसे केस में अगर सपोज कीजिए कि आप जला रहे हैं, सपोज कीजिए कि 2 किलोवाट से अगर आप एवं जला रहे हैं, 2 किलोवाट से अधिक जला रहे हैं, तो ऐसे केस में सपोज कीजिए आप 2.1 किलोवाट जला रहे हैं या 2.2 किलोवाट जला रहे हैं, इसी तरीके से आप टू जो है अगर आप 3 किलोवाट तक उपयोग करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, इसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमने ये लिया है उपभोक्ता श्रेणी, जो कैटेगरी होता है उपभोक्ता का, यहाँ पे लिया है घरेलू वन जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में है और DS1 का कनेक्शन है, यानी घर में कनेक्शन है, अगर उसको घरेलू वन बोला जाता है, उसे केस में जो है केजे कंज्यूमर नहीं लेते हम लोग। उसी तरीके से अगर घर का कनेक्शन है और शहर में है तो वो आता है आपका शहरी 2 घरेलू 2। उसी तरीके से जो कमर्शियल कनेक्शन है उसको बोला जाता है गैर घरेलू वन, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई कमर्शियल कंज्यूमर है, NDS कंज्यूमर। उसी तरीके से गैर घरेलू 2 जो शहरी क्षेत्र में और दुकान में बिजली इस्तेमाल कर, उसी तरीके से आपका यहाँ पे है LTI, जैसे आपका औद्योगिक श्रेणी का होता है जिसमें आप वेल्डिंग मशीन उपयोग करते हैं, आटा चक्की चलाते हैं। तो देखिए सबका यहाँ पे अभी देखेंगे घरेलू वन जो ग्रामीण क्षेत्र में डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनका 40 रुपया है प्रति किलोवाट प्रति महीना, यानी फिक्स चार्ज है 40 रुपये पर किलोवाट, यानी 1 किलोवाट और 1 महीने में 40 रुपये लगता है। उसी तरीके से आपका घरेलू 2 जो है शहरी क्षेत्र में 80 रुपये है 1 किलोवाट का 1 महीना में, और कमर्शियल में जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र में 60 रुपये है और शहरी क्षेत्र में 300 रुपये है। उसी तरीके से LTIS में 288 रुपये पर किलोवाट है 1 महीने के लिए। तो ये आपका फिक्स चार्ज है। सपोज कीजिए कि अगर आपने बिजली कनेक्शन लिया है और आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, सपोज कीजिए कि महीने आपका बंद है, यूनिट खपत नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में आपका जो है 40 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ बिजली कनेक्शन लिया है तो बिजली कनेक्शन उपयोग नहीं कर रहे हैं DS1 के केस में, उसी तरीके से 80 रुपये DS2 के केस में, और कमर्शियल केस में आपका 60 रुपये शहरी में है तो 300 रुपये और LTIS में है तो आपका 288 रुपये। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमने बिजली कनेक्शन जो लिया है वो 1 किलोवाट का लिया है, तो 1 किलोवाट का हमने सारा ले लिया है, उसी एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम 3 किलोवाट का जो है बिजली उपयोग कर रहे हैं, या आपको इसको बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 किलोवाट। अगर आप 2 किलोवाट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको ले लेते हैं, बिजली विभाग उसको 3 किलोवाट ही मानता है। सपोज कीजिए कोई अगर जो है 2.1 किलोवाट उपयोग कर रहा है, या सपोज कीजिए 2.2 किलोवाट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब आपका इसी में आ जाता है। सपोज कीजिए 2.8 किलोवाट है, तो ये सारा जो है बिजली विभाग उसको 3 किलोवाट लोड मानता है, इसी को यहाँ पे हमने समझे। तब हो क्या जाएगा, यहाँ पे 3 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हुआ, अधिक लोड कितना हो गया आपका, 2 किलोवाट अधिक लोड हो गया। इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, हम लोग ऐसा ज़ूम कर लिए, मान लिए है कि हमें 3 किलोवाट का कनेक्शन है, सॉरी 1 किलोवाट का कनेक्शन है और हम 2 किलोवाट एक्स्ट्रा यानी 3 किलोवाट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, आपने 2 किलोवाट एक्स्ट्रा लोड है, 2 किलोवाट एक्स्ट्रा लोड है तो क्या करेगा, पेनाल्टी वो लेगा बिजली विभाग आपसे 4 किलोवाट का, क्योंकि 2 किलोवाट आप तो उपयोग कर रहे हैं प्लस वो 2 किलोवाट का क्या करेगा और पेनाल्टी लेगा, तो टोटल आपको 4 किलोवाट का जो है
आपको अधिक डिमांड चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, अधिक डिमांड चार्ज यहाँ पे हमने दिया है अधिक डिमांड चार्ज। तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो डिमांड हो गया आपने जो उपयोग किया उसके वजह से वो दोगुना चार्ज करता है। अब देखिए आप यहाँ पे 1 किलोवाट का जो है आपका है 40 रुपये, तो आपका 4 किलोवाट अधिक का वो आपको पेनाल्टी देगा, तो 160 रुपये आपको उसमें देखेंगे तो अधिक डिमांड चार्ज वहाँ पे आपको शो करेगा। 40 रुपये तो जो आपने कनेक्शन लिया हुआ है 1 किलोवाट उसका जोड़ेगा, प्लस 160 रुपये आपको अलग से जोड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप शहरी क्षेत्र में है घरेलू कंज्यूमर तो वो 80 रुपये तो वो पहले चार्ज करेगा फिक्स चार्ज, उसके बाद अधिक डिमांड चार्ज में जो है आपको चार्ज करेगा 320 रुपये। और ये जो रहता है 40 रुपये जो है या 80 रुपये जो है वो 30 दिन का रहता है, ये आपका पर डे के बेसिस पे भी होता है। सपोज कीजिए किसी का बिल 30 दिन का बनता है तो आपको 40 रुपये कटेगा, उसी तरीके सपोज कीजिए किसी का 25 दिन का बिल बना है तो आपका 40 रुपये नहीं रहेगा, 40 रुपये से कम रहेगा। उस हिसाब से हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे और आपको बताएंगे। उसी तरीके से घरेलू गैर घरेलू वन है ग्रामीण क्षेत्र में जो एनडीएस कंज्यूमर होता है कमर्शियल कंज्यूमर, वैसे केस में 4 किलोवाट का आपका 6×24 240 रुपये चार्ज करेगा। उसी तरीके से आपका कमर्शियल में शहरी क्षेत्र में है तो 300 रुपये तक चार्ज दिया 1200 रुपये चार्ज करेगा, और अगर आपका एलटीआईएस में है तो ऐसे केस में 288×4 करेंगे तो आपका 1152 रुपये। यही आपका चार्ट है कि अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है और आप 3 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपने 2 किलोवाट जो है आपने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया तो 2 किलोवाट का तो पैसा जोड़ेगा ही, प्लस 2 किलोवाट का आपको फाइन करेगा, यानी टोटल 4 किलोवाट का आपको पेनाल्टी लेगा। तो इस चार्ट से आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेके आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि आप ये कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक कंज्यूमर है, कनेक्शन है, इसका हम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके द्वारा है स्वीकृत भार जो है आपका 1 किलोवाट है, यानी 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया गया है। और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो है टोटल चार्ज हो रहा है आपका 2.2 किलोवाट, यानी लगभग जो है 2.2 किलोवाट यानी 2200 वाट है और 2.2 किलोवाट है। तो ये आपका जो है कंसिडर कर दिया जाएगा 3 किलोवाट में, 3 किलोवाट में कंसिडर कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए दो टर्म आप देखेंगे, एक है फिक्स चार्ज, दूसरा है अधिक डिमांड प्रभार और अधिक डिमांड चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना हुआ, क्योंकि ये कनेक्शन क्या है डीएस है, डोमेस्टिक है और शहरी क्षेत्र में है, इसका फिक्स चार्ज 1 किलोवाट का हो जाएगा आपका 60 रुपये। तो यहाँ पे देखिए 60 रुपये नहीं, यहाँ पे जो है सॉरी 60 रुपये नहीं होता है, 80 रुपये होता है डोमेस्टिक के केस में, यहाँ पर 80 रुपये नहीं है, कम है, इसका हम कारण बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए अधिक डिमांड प्रभार जो है 298.67 रुपये चार्ज किया है, ये क्यों किया है यहाँ पे आप इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि जो फिक्स चार्ज होता है वो 30 दिन के लिए होता है, यहीं पर जो क्या है चूँकि यहाँ देखिए बिल जो है ये बना है 28 दिन का, इसीलिए जो है यहाँ पे आपका 80 रुपये नहीं होके कम है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका देखेंगे 80 रुपये होता है 1 किलोवाट का, तो इसको सबसे पहले हम 30 से डिवाइड कर देते हैं, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.66। अब चूंकि यहाँ पे 28 दिन का जो है बिल बना है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 28 से, 28 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 74.66, आपने यहाँ पे देखा था 74 रुपये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 74.67, यानी ये आपका यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से आप एक्सेस डिमांड चार्ज जो है उसको देखते हैं कि कितना कैलकुलेट होगा, क्योंकि 2 किलोवाट एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे 8×2=16, तो सबसे पहले क्या करते हैं हमने देखा था कि 80 भागा क्या करते हैं 30 करते हैं, तो ये आपका हो गया 2.66, ये तो हम लोग पहले भी निकाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना से 28 से, तो आपका आ गया 74.75। अब चूंकि क्या होगा कि ये हो गया आपका 28 दिन का 1 किलोवाट का, लेकिन हमको 4 किलोवाट
का ये चार्ज करेगा, क्योंकि हमने 2 किलोवाट एक्स्ट्रा डाले थे, इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो आप देखेंगे ये अमाउंट आपका 298.66 जो है, आप बोल सकते हैं 298.6 से। तो इसी तरीके से होता है कि ये आपका जो है 1 किलोवाट जला रहे हैं तो 2 किलोवाट एक्स्ट्रा यानी टोटल 4 किलोवाट का ये एग्जाम्पल से आप लोग यहाँ पे जो बिजली बिल है किसी का उसी आधार पे हम आपको यहाँ पे समझाएं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम समझते हैं। ये शहरी क्षेत्र का ही है, DS2 कंज्यूमर है आपका, और इनका वाटेज है 1 किलोवाट जो एसेंशियल लोड है, और ये 4.3 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 4 किलोवाट ये एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको जो है 8 किलोवाट का चार्ज होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे क्या हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो है फिक्स चार्ज जो है लगाए 88 रुपये, क्योंकि जो है 1 किलोवाट का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कनेक्शन जो है आपका ये 33 दिन का है, इसीलिए जो है फिक्स चार्ज आपका ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे अधिक डिमांड प्रभाव जो चार्ज जो है 700 कुछ रुपये है। तो इसको हम लोग फिर आपका कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ 80 को डिवाइड कर देते हैं 2 30 से, 30 से ये आपका आ गया 2.6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक महीने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ पे बिल बना है 33 दिन का, तो 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 88। यहाँ पे आप देख सकते हैं 88 रुपये था, 88 रुपये। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो है आपका 80 मल्टी डिवाइड करते हैं, आपको ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे 8 किलोवाट का चार्ज करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कर देंगे 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक मंथ का आ गया, और यहाँ पे आपको चार्ज करेगा कितना का, 8 किलोवाट आपको यहाँ पे चार्ज करेगा 8 किलोवाट का, तो आप जस्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप देखेंगे आपका 704 रुपये आ गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका 704 रुपये है, और इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 704 रुपये आएगा वही अमाउंट यहाँ पे 704 रुपये है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कैसे ये वर्क करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ पे आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिजली जो है कनेक्शन इनका 1 किलोवाट का है, और यहाँ पे 1.7 किलोवाट यूज हो रहा है, यानी लगभग 2 किलोवाट यूज हो रहा है। फिर हो 1 किलोवाट एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, इसका इनको 2 किलोवाट का पेनाल्टी चार्ज होगा। तो आप देखिए 26 दिन का जो है बिल बनाया, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं फिक्स चार्ज और आपका एक्सेस डिमांड चार्ज जो है कैसे कैसे वर्क करता है। चलते हैं कैलकुलेटर ऑन करते हैं। तो देख लीजिए आपका जो है, हमने सबसे पहले 80 भागा जो है 30 कर लेते हैं, ताकि जो है हमारा एक दिन का निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 26 से, तो ये आपका जो है आ जाएगा 69.33। आप देख सकते हैं वहाँ पे 69.33 है। अब जो है हम यहाँ पे 80 भागा 30 कर लेते हैं, तो एक दिन के लिए आ जाएगा, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 26। 26 दिन में आपका इतना रुपये आ जाएगा, और हमारे यहाँ पे 2 किलोवाट एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है। तो आप देख सकते हैं 138.66, यानी 138.66 रुपया या 67 पैसे वहाँ पे आ रहे हैं। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि एक्सेस डिमांड चार्ज की वजह से कितना चार्ज होता है। ये आपका हम DS को लेके बताए हैं, सेम अप्लीकेबल है आपका LTIS में भी, DS में भी। और जो है आपका एक चीज़ और यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर, क्योंकि अब स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो स्मार्ट मीटर के केस में सपोज कीजिए कि आप अगर इस महीने डिटेक्ट होता है कि आपका एक्सेस डिमांड जो है आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अगले 6 महीने तक आपको मैसेज देगा कि आप जो है लोड बढ़ाइए, आपको यहाँ पे पेनाल्टी चार्ज नहीं करता। इस बात को थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि यहाँ पे पेनाल्टी चार्ज नहीं करता है, जितना आप यूज कर रहे हैं
उतना वो लेता है और आपको एक मैसेज देगा, अगले 6 महीने तक मैसेज आता है कि आप ये अपना लोड इंक्रीज कर लीजिए, जो भी आपका सेंसर लोड है उसको आप बढ़ा लीजिए, सोचिए 1 किलोवाट से 2 किलोवाट कर लीजिए या 1 किलोवाट से 5 किलोवाट, जितना है उतना वो आपको मैसेज में जाएगा। 6 महीने तक अगर आप नहीं करेंगे तो वह स्वतः ही आपके बिजली बिल में 7वें मंथ से वो जोड़ना शुरू कर देगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के आप इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।